श्री द्वारा नया संदेश न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ प्यारे खोजियों, आप सबको शुभ इच्छा हैपी था तो के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है कि क्या आपकी तैयारी हुई है ऐसे आसन पर जब ध्यान में आप बैठते हो ये तो फिजिकल शशिर रूप दिखा रहे हैं फिजिकली ऐसा होता नहीं है मगर जहां पर आपको कष्ट लग रहे थके हुए आए हैं और ध्यान का समय हुआ है अभी थकावट में कैसे बैठे तो वो आसन है थकावट का मगर फिर भी आप बैठते हो जैसे ही इंसान उत्तान पाद आसन में बैठता है तो आसपास अप्सराएं आकर खड़ी हो जाती है इतना सुकून महसूस होता है पंखा जल रही है पंखा जल रही है किचन से खुशबू आ रही है सोफा सेट दिख रहा है तो इंद्रियों के साथ इंसान बहुत सहजता से बैठ पाता है जब सुरुचि के साथ है सुरुचि किसका उदाहरण कहें स्मार्टफोन उसकी बातें सुन के ही नहीं होता उसकी बातें दिन भर सुनते रहो ही नहीं होता तो वो सुरुचि के साथ ज़्यादा बैठना चाहता है देखो पृथ्वी पर लोग इस तरह के हुए ही हैं जो सुरुचि के साथ ही पूरा जीवन बिता देते हैं और ऐसे ग्रुप्स भी बने हैं लोग भी बने ऐसी संस्कृतियाँ भी बनी हैं जिन्होंने इसी आधार पर अपनी फिलॉसफी बनाई उनको कहा जाता है चारवाक चारवाक कितने लोगों ने ये शब्द सुना है हाथ ऊपर करें हाँ कई लोगों ने सुना है उन लोगों की फिलासॉफी क्या कि उधार लेकर भी घी खाओ उधार लेकर भी खाने का सुख लो ये एक ही जीवन है मरने के बाद थोड़े तुम्हें कर्ज चुकाना होगा तो खा लो जितना खा सकते हो यानी शरीर का सुख ही सब कुछ है लोग जब ज्ञानी युधिष्ठर बन जाते हैं ना वो अतियों में जाते हैं अतियों में जाते हैं और उसको आध्यात्मिक चोला पहनाकर के हम तो हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं फिर तो ऐसे ज्ञानी युधिष्ठरों ने चोरियाँ करना शुरू कर दी लोगों की हत्याएं करना शुरू कर दी क्योंकि एक ही जीवन है कोई फल वगैरह मिलने वाला नहीं है तो तुम खाली ये देखो कि शरीर को सुख कैसे मिले क्योंकि शरीर ही आत्मा है शरीर ही आत्मा है क्योंकि और कोई सबूत नहीं है शरीर के अलावा कुछ है इसका कोई सबूत नहीं है तो लोग ऐसे चारवाक संस्कृति के रहे और वो संस्कृति तो खत्म हो गई मगर फिर भी लोगों के अंदर वैसी चाहना होती है कि केवल शरीर को ही सुख देते रहें देते रहें तो आपको चार के साथ चारपाई छोड़ने के लिए कहा चारपाई छोड़ो चार आर उन पर काम करो जिसमें रफ्तार भी है और सहजम भी है ये कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है इससे आप संतुलन बनाए रख सकते हो लोग एक्सट्रीम में जाते हैं बहुत उलझ जाते हैं और जीवन का लक्ष्य छूट जाता है क्योंकि मन ऐसा ही है वो एक्सट्रीम में जाना चाहता है तो आपने ये सुना आपको चार छोड़ने के लिए कहा गया मगर सुरुचि नहीं चाहेगी छूटे सुरुचि के साथ जुड़ा हुआ मन नहीं चाहेगा ये छूटे चार बज गए पार्टी अभी बाकी है उसके दिमाग में अभी बाकी है अभी और और सुकून मिले और सुख मिले और सुख मिले ययाति कैसा इंसान था राजा ययाति वैसे उत्तान पाद उसके पहले का उदाहरण सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है तेज ज्ञान नहीं तेज ज्ञान सरश्री महाआसमानी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें